प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का धरना प्रदर्शन 41 दिन से जारी है। आपको बता दें, रेवाड़ी में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को विपक्ष का वही समर्थन भी मिल रहा है। इसी को लेकर बीते दिन किसान संगठन के नेता योगेंद्र यादव और कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर यूनियन को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान योगेंद्र यादव ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उनका मकसद केवल अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर जो कोरोना में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक महीने से अधिक समय से आंदोलन की राह पर हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग को सुनती है। न्यूज डेस्क, समाचार प्लस।